اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آت كيس إن شاء الله الإسلام إسلامكي एक अज़ीम महतरम आलिम दीन इमाम बघवी रम्ह आपकी ज़िंदगी को मुख्तसर बयान किया जाएगा इमाम बघावी रहा इनकी ज़िंदगी से मुतल जो आज इस नशिश में गुफगु होगी क्यों इंतखब किया गया इनकी इस सीरत को बयान करने में इनकी सीरत को बयान करना इनकी ज़िंदगी को मुख्तसन बयान करना इनको पढ़ना और आपके सामने एक मौजू के तौर पर आ, लाना क्या, क्या क्या यानी सबब क्या है इसका इसका एक तो सबब ये है कि इमाम बगवी रहा की गैर मामूली शहरत मामूली शहरत इल्मी दुनिया में नहायत मरूफ़ नाम इमाम बगवी रहा का नाम आता हो तो दुनिया भर में जितने भी हैं मदारस के तलबा हैं या जिस किसी का भी इल्म से शरा इल्म से ताल्लुक़ है इमाम बगवी इस नाम से वो ग़ैरमारूफ़ नहीं हैं मानूस हैं एक ये मकसद है इमाम बगवी रहा की ज़िंदगी को इख्तियारने में दूसरा ये मकसद है कि इमाम बघबी रहमतुल्लाह की जो किताबें हैं वो अहले इल्म इससे कभी बेनियाज नहीं होते हैं सब मुस्तफिद होते हैं तफसीर के बाब में भी आपसे सब मुस्तफिद होते हैं हदीस के बाब में भी सब आपसे मुस्तफिद होते हैं आपकी किताबों को अल्लाह रबुलमी ने खूब शोहरत और खूब मकाम अदा फरमाया है इन सब के साथ साथ जो एक तीसरा मकसद है जो एक नुमाया मकसद है जो जो जिसने मुझे बेजनला तहरीक दी है उस मकसद ने जो मुहर्रिक बना है जो मकसद बेज़नला वो है आपका नाम मशहूर आपकी किताबें मशहूर लेकिन आपकी ज़िंदगी से हम वाकिफ नहीं हैं आपसे मुत्ल जानकारी नहीं है इमाम बघवी अगर हम कहें तो कहते हैं सब जानते हैं शरख सुनना सब जानते हैं तवसर बघवी महाली मतंज से सब सब शायद वाकिफ ना हो इस नाम से लेकिन तफसर बघवी सब मारो सब जानते हैं लेकिन इमाम बघवी हैं कौन उनका नाम क्या है कहाँ के हैं किस घराने से हैं उनकी ज़िंदगी किस तर्ज की थी उनका अकैदा क्या था फ़िक्र एतबार से क्या मौक़ रखते थे आप अहल इल्म ने आपके बारे में क्या कहे हैं आपकी किताबें किस किस मौजूद पर हैं इस सिलसिले में हम तलबा नावाकिफ हैं ये एक अहम सबब है और यही ताला असल महारिक बना आज की इस मौजू के लिए इमाम भगवी रहमतुल्लाह से मुतालिक निहायत अख्तिस के साथ मैं आपके सामने चंद बातें रखता हूँ बुनियादी तौर तो पर पहली बात ये इमाम भगवी रहमतुल्लाह ये अहल इलम के मबेन इलमी दुनिया में अमाम अल अलबवी इसी से मरूफ़ हैं लेकिन आपका जो नाम है हुसैन हुसैन इबन मसूद इबन महम्मद आपकी कुनीत आपके दादा के नाम पर अबू महमद अलफर्रा इनके नाम के साथ जो लगा हुआ रहता है अलबवी अलफर्रा या अलफर्रा ये पेशे के नाम हैं इनकी आयशत इनके जो वालद मोहतरम हैं वो अलफर्रा थे अलफर्रा किसको कहते हैं अलफ्रा से जो जानवरों की जो खाल होती है खासकर वहशी और जंगली जानवरों की जो खाल होती है उस खाल को दबागत देना और उसे मुख्तलि अशिया में ढालना जैसे जूते चप्पल या यानी गर्मी हासिल करने के लिए ऊपर का लिबास वगैरह वगैरह इस तरह की मीशत और कारोबारी ज़िंदगी को करने वालों को अलफर्रा कहा जाता है ये एक आम पेशा है एक सीधा साधा पेशा है बहुत बड़ी मीशत का नाम नहीं है अकतसदी एक एक तौर तो पर एक एक एक, एक कमज़ोर पहलू है ये माशरे का तो ये अलफर्रा थे और ये जो अलबवी जो इनकी नस्बत है इलाक़े की तरफ बघा या बगशूर मिलता जुलता नाम है जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं हर दौर के लोग इल्मी इलाक़ों को जो जानते हैं जहां उलमा की कसरत होती है जहां इल्म के मराक़ होते हैं तो लोग उन्हीं इलाकों से, से, से वाकिफियत रखते हैं वाकिफ़ रहते हैं लेकिन बहसत तलब इल्म मैं और आप हमारे लिए एक इल्म का जो मरकज़ होता है जो इलाका जो जो गांव, जो शहर होते हैं किसी भी ज़माने में वो इल्म के मरकज़ रहे हों और एक ज़माने के बाद इल्म वहाँ से उठा लिया गया हो या वहाँ ना रहे हों या ला अल्लाह मानने के वहाँ असल इस्लाम भी ना रहा हो लेकिन हमको उससे वाकफ़ होना चाहिए हमारे आबा व अजदाद की बस्तियाँ हैं हमें वहाँ से इल्म मिला है उस 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 गांव को अल्लाह रब्बुल रब्लमी ने एक आलिम दीन की वजह से मशहूर रखा है जो ये इलाका है आज का जो ईरान है आप जग्राफबार से उठा के देखिए आज का जो ईरान है ईरान का जो मशरक़ी हिस्सा है जो अफ़ग़ानिस्तान के शिमाल से जा मिलता है और तुर्कमानिस्तान के जुनूब में जाकर मिलता है आप देख सकते हैं बासानी जोग्राफिया एतबार से जो ईरान का जो मशरक़ी हिस्सा है जो एक ऊँट की कोहान की तरह नज़र आता है आपको आप अभी भी देख सकते हैं इमेजस गूगल वगैरह गूगल इमेज़ में तो वो जो ऊन की कोहान की तरह जो इलाका है वो कदीम ज़माने का खुरास खुरासान आज जो इलाका है वो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन कदीम ज़माने में खुरासान बहुत बड़ा इलाका बहुत बड़ा इलाका खुरासान उसकी जो राजधानी थी नेसापुर नेसापुर आज भी है इलाका वो नसाबुर उसी नाम से है आप गूगल मैप में जा देख सकते हैं नसावुर तो जो खुरासान है खुरासान का जो जनूबी हिस्सा है जो अफ़ग़ानिस्तान से मिलता है अफ़ग़ानिस्तान के सरे से वहाँ एक मशहूर इलाका है हरत अलहरावी जिसकी नस्बत बनती है आज भी हरात देख सकते हैं आप अलरात फ़िलहाल तो अफगानिस्तान में आता है अलरात जो अफ़ग़ानिस्तान में आता है अफ़ग़ानिस्तान का जो बाएँ जानब का हिस्सा जो ईरान का मशरक़ी हिस्सा है तो वहाँ वहाँ का ये आलाका है बखशूर जो याक़ुत अलमवी ने मौजमल बुलदान में बखशूर इस इसमें जा कर के देखे और इस इलाके से मुतलिक मालूम भी उन्होंने लिखी हैं और इस इलाक़े से जुड़े अहिल इल्म का भी उन्होंने तजकार किया है तस्करा किया है उनमें से इमाम बघवी का भी रहम्ला तो इमाम बघवी रहा ये सब ऐसे असाब इल हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने उस इलाक़े को शहरत दी भले ही आज कोई मारूफ़ आलम दिन वहाँ नहीं है लेकिन इमाम बघवी रहमा ला उस इलाक़े के हैं इमाम बघवी रहा की जो विलादत हुई है कदीम में जिसका भी मैंने अभी नाम लिया है याक़ुतवी उन्होंने चार सौ तैंतीस हिजरी बताया है सबकी ने जो तबकात शाफ़िय़ा है उसमें भी लगभग लगभग चार सौ चालीस के आसपास बताया है लेकिन इनका जो इंतक़ाल हुआ है पाँच सौ सोलह को तो उस मुनासबत से जिन असाब इल्म ने जिन मार्खिन ने आपकी सन वफात पाँच सौ सोलह बताए हैं उसके साथ वो ये भी बताए हैं कि कितनी उम्र में आपका इंतक़ाल हुआ कि अस्सी साल की उम्र में पचहत्तर साल की उम्र में या अस्सी से ज़ायद इस मुनासबत से पाँच सौ सोलह जो एक मक्क़ है ये मुहक् है आपका सन वफात तो इस मुनासबत से अस्सी साल अगर जोड़ लेते हैं तो फिर कितनी कब आपकी विलादत हुई होगी कब वो बेश चार सौ तैंतीस पैंतीस हिजरी के आसपास इमाम बघावी रहा का जो घराना है आप देखेंगे मैं जिन लोगों से फ़िलहाल मुखातिब हूँ मेरे सामने जो लोग बैठे हैं आप अपने घरानों के अतबार से गौर करके देखें इमाम बघावी बघावी रहम्ला जिस घराने से हैं उनका घराना आबा अजदाद आपकी वालद मोहतरम दादा ये सब कौन हैं ज़्यादा मालूम नहीं है जिन जिन मुआरखीन असाब इल्म ने आपकी सीरत को लिखा आपके तरज हयात को लिखा किसी ने आपके घराने पर रोशनी नहीं डाली है आपके घराने से मुतल किसी ने नहीं बताया है इसकी कई एक वजूहत हो सकती हैं उसकी बुनियादी तौर तो पर एक वजह ये भी है कि आपके घराने में आपसे पहले कोई दिन नहीं आपके वाल वालद मोहतरम एक दीनदार मुसलमान ज़रूर थे लेकिन आलम दिन नहीं आपके दादा बी यूँ हम कह सकते हैं जैसे अमूमी तौर तो पर मदारस में हम तलबा को देखते हैं कि ख़ानदान के वो पहले दिन होते हैं पहले हाफिज कुरान होते हैं किसी तलब इल के वालद उनके दादा खानदान में कोई इम इम की कोई मतलब बात ही नहीं है शर्म की कोई दिन नहीं कोई हाफिज़ कुरान नहीं ऐसा होता ही नहीं इमाम बघावी भी ऐसे ही घराने के रहमिल्ल ये एक वजह है कि आपके खानदान से मुतलिक ज़्यादा तस्करा नहीं है अलबतः इतनी बात मालूम होती है कि आप नहायत यानी फ़्र फ़ा का माहौल पाया आपने बचपन में आपके वालद मोहतरम नहायत एक एक गरीब इंसान एक ऐसे मालूम हुआ कि आप बहुत ही गरीब इंसान थे इनके वालद मोहतरम इनका घराना दो बातें हमारे सामने आती हैं एक ये है कि इनके वालद अलफर्रा अलफर्रा जो अभी मैंने कहा ना अलफ्रा अब दोहराने की ज़रूरत नहीं वो पेशा ही ऐसा है कि जो मस्तकमशत नहीं मजबूत मीशत नहीं है ये रोज़ाना की एक आम ज़िंदगी गुजरान के, के गुजरान के लिए ही एक तो ये बात है कि इनका घराना कैसा था दूसरी बात जो खलिकान रहमहुल्ला ने इनका जो इनकी जो सवान हयात लिखी है आयान में कि ये ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ रोटी रोटी से गुजारा इन्होंने कहा ना ये अकुल अलखब जवाहद सिर्फ़ रोटी खाया करती थी ये ये अब्न ने लिखा है खलिकान जो हैं जमा वो छठवीं सदी हिजरी के आखिर है। के हैं इमाम बघबी रहा की इंतक़ाल के बाद बहुत छोटी उम्र थी उनकी या हो सकता उनकी विलादत ही ना हुई हो लेकिन ये उनकी ज़िंदगी को जो है बहुत ही आ, मौसू जराए से लिखा और उनके करीबी मौरखें कि ये ज़िंदगी भर रोटी खाया करते थे मतलब रोटी के साथ इनके पास एक ज्यादा चीज़ नहीं थी कि किसी में वो 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 उसको भीगा करके खाएं सालन या कोई इस कबील की कोई चीज़ ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ये सूरत हाल थी इमाम बघवी की रहम्ला इमाम बघवी रहम्ल अल्लाह ताली की तोफ़ी उसके फजल करम से जिस इलाके में पैदा हुए आपने यानी अल्लाह ताला ने आपको जितनी नेमतें, जितना माहौल इल्म के अता किया आपने खूब ख़ूब उससे मुस्तफीद हुए आप। आपने कभी दिल छोटा नहीं किया एक, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमाम बघबी रहा जिस दौर के हैं वो सलफ़ से एक करीबी दौर है पाँच सौ सोलह तो आपका सन् वफात है तो गोया के पाँच सदी हिजरी के हैं आप उस वक्त के उलमा दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हों ये सफ़र और रहला, और रहला इल्मी तौर तो पर सफ़र करना एक आम सी बात यानी यह एक लाजमी चीज़ थी ना करना एक आयब इमाम बगवी रहा जो बगा या 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 बघ या बघशूर या 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 इलाके के नाम इससे इससे मिलता जुलता ये जैसे कि मैंने कहा कि खुरासान का इलाका है एक छोटा सा खुरासान बहुत बड़ा इलाक़ा जैसे हम कहते हैं ना जनूबी हिंद वैसे ही खुरासान उसमें जनूबी हिंद पूरे साउथ इंडिया में अगर बेंगलूरू की बात करें तो कितना होगा तो ये बखशूर के हैं और ये एक 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 करीबी इलाका अलमरव अलमरव एक इलाका है जो आप तारीखी किताब कोई भी उठा के देख लें खासकर क़दीम ज़माने के जो उलमा हैं एक बहुत ही मरूफ इलाका है बहुत मारूफ जैसे आज लोग रियाज और जुदा को जानते हैं जिद्दा को बिल्कुल वैसे इलाका ये कदीम ज़माने में तो वहां गए इल्म हासिल करने के लिए तकरीबन सत्ताईस साल की उम्र में समझ लीजिए कि चार सौ एक एक सत्तावन अट्ठावन हिजरी के आसपास वहां गए खाजिया हुसैन इब्न मोहम्मद अलमरवी रहम्ला चार सौ बासठ हिजरी सन वफात है उनका उनसे आपने ख़ूब पढ़ा कम मुद्दत में ख़ूब पढ़ा एक तलब इल्म को अच्छे उस्ताद मिल जाएं तो कम मुद्दत में भी वो बहुत महारत हासिल कर सकते हैं ये आपकी अखस्तला मिज़ाम से हैं मुझे जिस बात की तरफ़ तोज़ा आपको दिलानी है इस इनके इस वाक़े से वो बड़ी अहम है इमाम बघवी रहा जिसे मैंने कहा कि वो वो दौर है इस दौर में तलबा को उलमा को आप सफ़र करते हुए नहीं देखेंगे इल्म, इल्म, इल्म के लिए कहीं दावत व तबलीग के लिए जा रहे हैं कहीं दर्ज देने के लिए जा रहे हैं या एक तलब इल्म अपने घर से किसी मदरसे से उसका इलाहा हो गया पूरे आठ साल वहीं पड़ेगा वो कहीं और जाएगा नहीं वो ये इस दौर का मिजाज है उस दौर में जो आम बात थी इल के लिए सफ़र करना इमाम बघवी की ज़िंदगी में वो नहीं है रम्ह उसकी भी कई वजूहत आप खुरासान का जो मैंने इलाका बताया ना आप उसी खुरासान के इलाक़े में आपने पूरी ज़िंदगी निकाली उसे बाहर भी नहीं गए आप जितना आप जा सकते थे वो खुरासानी का इलाका आगे क्यों नहीं गए इसकी कोई ख़ास बात जैसे कि आपकी ज़िंदगी में मैंने कहा कि तफसीत नहीं है इसकी लेकिन मुझे ये बात समझ में आती है कि आपका जेब खाली था इस बारे में इस बात में आपका जेब हमेशा खाली था जिसकी वजह से आप कहीं ज़्यादा जा नहीं पाए आप इमाम बघवी रहमतुल्ला हत्ता की मैं आपको बताऊं जैसे मैंने कहा ना खुरासान खुरासान से बाहर कभी आपका जाना कहीं साबित नहीं है तारीख में हत्ता की अलामा सुब्की ने कहा कि आप बगदाद भी नहीं गए आप बगदाद बगदाद भी नहीं जा पाए अलमा सुबकी रहा ने तबक़ात शाफिया में इस वजह से इस बात को लिखा कि अगर आप बगदाद गए होते तो आपका इल्म का इतना चर्चा हुआ होता कि आप आप, आप बहुत मशहूर आपके मुस्तफीदीन बहुत होते लेकिन आप बगदाद तक भी नहीं गए इराक़ छः जाए कि आप हारमैन जाते इमाम अब अब्दुल्लाजाबी रहा ने शेर नबला में जब इनका तर्जे हयात लिखा तो कहा कि माँ आलिम तो अन्जा ऐसा लिखा समझ रहे हैं कि आप में है जी हैज नहीं किया हमें हमें तारीख में बात नहीं नहीं मालूम है अब बगदाद तक भी नहीं गए जाए जाएगा और आगे हारमाइन जो कुछ है, मतलब खुरासान बल्कि दसवीं सदी हिजरी की एक मारूफ आलिम दिन सीरत निगार जिन्होंने अहले इल्म के तर्ज हयात को लिखा तबकातुल मुफसरिन के शहाबुद्दीन मोहम्मद इब्न अहमद अद्दाउदी रम्ह नौ सौ पैंतालीस ईदीवन थे उनका उन्होंने तबकतुल मुफसरीन में जब इनका नाम लिखा इनकी ज़िंदगी को लिखा इख्तसार के साथ तो कहा कि वालम यह हज आपने दो टोक अंदाज़ में कहा आपने हज ही नहीं किया आपने मतलब गुरबत का आलम था इनका एक तलब इल्म को अल्लाह रबुलामी ने जितनी उसके साथ जितना उसके साथ अल्लाह ने मामला रखा है जितनी उसके उसके पास गुंजाइश है उतना ज़रूर पढ़े हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि मैं वहाँ नहीं पढ़ पाया मुझे वो उस्ताद नहीं मिल पाए जैसे आज हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि इतनी सहूलियात का दौर है जहाँ एक आदमी सभी उलमा का अरब उलमा का हमारे हिंदुस्तान के हमारे पड़ोस मुल्क के उलमा का इख्तियार के साथ सुन सकता है सबसे सवाल कर सकता है इल्म हासिल कर सकता है सवाल जवाब हो सकते हैं पूछ सकता है फिर भी हमारे इलाके में आलिम नहीं फिर भी हमको नसीब नहीं हमारे मस्जिद में ऐसे नहीं इस दौर में ये ना शुक्र है इमाम बखवी को देखे आप अहम उल्ला आप खुरासान से बाहर नहीं गया आप इराक़ नहीं गया बगदाद नहीं गए कोफ़ा बसरा नहीं गया आप मुल्क शाम दमिश नहीं गया, नहीं गया। आप हरमायन नहीं गए आप लेकिन अल्लाह रब्लम ने आपको क्या अता किया देखे ये सोचने की बात है मकसूद यही है वरना एक 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 होता ना उनका नाम उनका नसब ये 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 बयान करना हमारा मकसूद नहीं है ये नतीजा निकाल करके इसको सामने रख कर एक क़वत एक पहुँचाना ये हमारा मकसूद है इमाम भगवी रहा के जो इसजा हैं उनकी फहरिस्त भी बहुत बड़ी नहीं है इमाम भगवी रहा के अज़ा में एक बड़ा नाम जो मिलता है वो है हुसैन इब्न महमद काज़ी हुसैन इबन महमद अलमरवी चार सौ बासठ ईस्वी सैन वफात है इनका कम मुद्दत में आपसे पढ़ा है इन्होंने इनके सभी इस पाँचों से दीजरी के हैं एक नाम आता है अब अमर वाहिद इब्न अहमद मलीही इनसे सही बुखारी आपने पढ़ा एक और नाम आता है अबुल हुसैन या अबुल हसन अबु अली इब्न यूसुफ़ अल अजुआनी जुवैन ये भी खुरासान का एक इलाका है जुवैन एक है अल जुवैनी इमाम हरमैन वो वो यहीं के हैं वो वो बाद में हरमैन कहते एक मुद्दत के लिए फिर वापस यहीं पर आए यहीं इंतकाल हुआ उनका जवैन ही में खुरासान में तो वो नहीं है ये ना उनके खानवादे से हैं लेकिन अलग हैं तो ये जो ये इनके इस फहरिस्त है वो बहुत ही कम है एक और नाम मिलता है बहुत ही मरूफ नाम जो उनका नाम है अबू अली हसान इबन सद अब्न हसान अलमनियाई सनन तिरमी को जिन्होंने पढ़ा है इसमें एक रावी का नाम है अहमद इब्नमी बकासरत इमाम तिरमिजी से रिवाज करते हैं दो सौ चवालीस हिंदी वफ़ात है उनका अहमद इबनि कुतमस्ता के अहमद इब्नमनी रहम उन्हीं के ये खानवादे से उन्हीं के उन्हीं का सिलसिला नब है आगे से ये इनके इस हैं ये जो इमाम बघबी रहा हैं अल्लाह अल्लाह अल्ला, सुबहान ने इनकी तबीयत में कितनी 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 पाकिस्तान इनकी तबीयत थी अबूब्ब्ब्बा इब्लखली रहमाला कहते हैं आयान में इनके तर्जुमे हयात में, में कि कान अला ये जब भी दर्ज देते बजू होकर पाक साफ होकर बवज़ू होकर इसके बड़े अच्छे असरात होते हैं कम अज़ कम यानी जब दर्स देते हैं जुमा का खुतबे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ आम दर्स वगैरह देते हैं हदीस पढ़ाते हैं कुरान पढ़ाते हैं दीन से मुतल गुफा उस वक्त वो तो आदमी को बावजू होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दीन पढ़ाने के लिए बैठ रहा हो और वो बावजू ना हो उस वक्त ये किसी तौर तो पर भी मुनासिब नहीं ये इनकी ज़िंदगी का हिस्सा इनकी ज़िंदगी की जो सादगी है कितनी इतनी, इतनी हैरा, हैरान कौन है हैरान कौन अबू अब्दुल्ला ज़ाहबी राम ने सैर आलामबाल में, में लिखा कि क्या न मुख्तनफी लिबासी उनके जो लिबास थे उनके पहनने के जो कपड़े थे बिल्कुल दरमियानी, एकदम भी उमदगी भी नहीं और और बिल्कुल भी फटे पुराने कपड़े भी नहीं अलबतः इतनी बात कही कि लहू सऊबन ख़ाम खाम यख के माने आते हैं किसी भी चीज़ की में में, में मतलब जो तहजीब और जो उमदगी और नफासत, खूबी जो होती है उ, 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 उस, उसकी बात का मैार नीचे नीचे का हिस्सा मान लीजिए कि हम इस जमाने में इसको समझाने के लिए कह सकते हैं कि वो कपड़े पहनते लेकिन इस तरीके बगैर प्रेस के बग़ैर ऐसे ही कभी पहन लेते इस तरह का आम उनका अंदाज़ था इमाम बघवी रहा का इमाम बगवी रम्ला के मुतल जैसे कि मैंने कहा कि ये इनका लिबास था कहा कि वकाना वका, 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 वकाना वकान इमामा इमाम सग़ीरा और एक छोटा सा वो 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 इनका एक इमामा हुआ करता था कहा कि अली मिनहाज़लफ़ ये बहुत बहुत नुमायाँ लफ्ज है अला मिनजलफ़ यह अकदन ऐसे क्या मज़ाबी ने कि इनका हाल चाल इनका आकादी एतबार से इनका रख रक, रखाव सब ये सलफ़ सलफ़ के मिजाज के थे शेख अब्दुल अजीज़ नबाज़ रहा से मतलब यानी अल्म कहा करते थे कि बकैतुलसलफ़ यानी जो कदीमा थे ना कदीमा कदीमा कदीम आम मुसलमान जिनके अंदर दीनदारी, अल्लाह का डर और दिली वग़ैरह जो था उनका मामला यकीन अल्लाह की बातों पर कहा कि ये ये एक ये देखो बास को रहम् इमाम इबनबाज़ रहम्ला को बहरहाल ये जो इमाम बगवी हैं रहम् इनकी ज़िंदगी को पेश करने का एक बहुत ही बुनियादी मकसद ये भी है कि आप खालि आहलसन्जमा के आलम दीन खालि आहलसन्जमा के आलिद दिन इमाम बघवी रहा की एक किताब है शरहसन्ना सुन्ना, उन्होंने वो मतन भी है वो शरा भी है आपने अहादीस को बहुत ही सेहत और सेहत का अहतमाम करके उसमें आपने तरतीब दिया कुछ कुछ रिवायतें उसमें ज़यीफ भी हैं उसकी शरा भी लिखी आपने कभी बहुत तोल दिया आपने उसकी जो सबसे पहली है, किताब है किताबुल ईमान उसमें आपने एक बाप क़ायम किया कि बाबू बयानी अनल ईमान यजीद अन ईमानजीद कुमरजिया बाब ही क़ायम किया आपने यानी किताब के आगाज़ की मैं बात कर रहा हूँ दूसरा बाब है दूसरा तीसरा बाप किताब अईमान जिखी कि खालस आलसन्ना वजमा की नुमाइंदगी अमाल ईमान में दाखिल है यजीद वैन कुस ईमान करता बढ़ता है ये एक आ, आ, आम मौकफ़ नहीं है बहुत बड़ा मौकफ़ है ये बात जी है आपको इस ये जो शरखुस सुना अभी हमारे पास है ना कितने जिल्दों में हमारे पास अभी सोलह जिल्दों में अभी जो हमारे पास है सोलह जिल्दों में शेख अल अलरनाउत और उस्ताद जहर शाविश रहा इन इन दोनों साहब इल्म की तहकीक से छपी है शेख शुब अरनाउत रहल्ला ने मुकदमा जो है ना मुकदमा जो हकी का मुकदमा, मुकदमा होता है बड़ी पते की बात लिखी आपने आपने इनके बारे में लिखा कि क्या ना कसीरन, तबिसन क्या नहीं तबिस वम्मा यख तबिस क्या लिखा आपने वकिर यकिस इमाम बुखारी रहमावीन अनावीन अलबाब, बिलफिया इमाम बुखारी रहम्ला ने जो सही बुखारी में किताबुल ईमान किताबुल इल्म और दीगर जो किताबें हैं सही बुखारी की उसमें इमाम बुखारी ने जो अनवान कायम किया ना कहा कि कसीर कसिर तबिस इमामबुखारी रहम् कहा कि अल आनावी, आनाविनबाब बिलवा इमाम बुखारी रहा ने जिस तरह से बाब कायम किया है बहू ये मैंने इन्हीं की ज़ुबानी पढ़ा वो फिर मैंने मुवजना किया काफ़ी जगहों पर हो बहू في <الْوَارِدَة> फी 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 जाम फी 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 सही, वे, वे, फी सही ऐसे लिखा इमाम बुखारी الله की जो अल्जाम सही है जो अबाप इमाम बुखारी ने क़ायम की हैं हु ऐसे इन्होंने باب कायम किया है बहू इससे इससे आपका आहलुसन्ना अकदी एतबार से होने के से आप और कीजिए आप इमाम बघबी रम्ला की जो अभी मैंने जिस किताब का हवाला देना शरख सुन्ना का उसमें जो ईमान है तकरीबन दस अबाब के आसपास में मैंने बाब नंबर नहीं देखा उसमें वो आयत कुरान मजीद की वो आयत जो अल्लाह रब्बुल रब्लम की सिफात से मुत्ल हैं और जो अहादीस जिनमें अल्लाह सुबहान ताली की सिफात सफ़ात ताती या फैलिया जो बयान की गई हैं उसे आपने यकजा किया सही मुस्लिम में एक किताब है किताबल़दर एक, किताब एक हदीत है बहुत ही मरूफ़ हदीत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रूल्लाम कहते हैं रसूल सल्हस ने फरमाया कि इन किलूब बनी आदम खुल बसब मिन बिन रहमान अल्लाह रबूल आलमीन दुनिया में जितने भी लोग हैं बनी आदम इनके दिल अल्लाह सुबहान तंगलियों के दो उंगलियों के दरमियान है इस हदीसी मुबारक को नकल करने के बाद इमाम बघवी ने नीचे जो लिखा है बहुत ही بہت ہی شاندار الفاظ آپ نے لکھا کہ الاسبع المذکورت فی الحدیث حدیث میں جو الاسبع انگلی کا ذکر ہے نا کہا کہ من صفات اللہ یہ اللہ رب العالمين كي صفات میں سے ایک صفت ہے انگلی اللہ رب العالمين كي صفات ذاتية میں سے ہے اس کے بعد آپ نے لکھا مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ او السُنَّةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ सिफा, मिन सिफ़ातल और जो भी कुरान में हदीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतालिक इस कबील से जो भी बातें बयान की जाएंगी सब वो अल्लाह की सिफात में से हैं फिर आगे उन्होंने लिखा कन्नफ्स वल कन वजही वल यदी वल रिजली मजीई वमजी इला नज़ोली इलास्म दुनिया वल वल इस्तीवा अल वल्तवाश वल फरह इस सारी बातें आपने लिखी कि सब ये अल्लाह रबुल आलमी के सफ़ात में से हूँ ये आपके खालिस सलफी होने के दलील है आप खाल आहल सुना वालजमा के हैं रत्ती बराबर भी शाहबा नहीं सुबहानल्लाजीम जबकि जिस दौर में आपने ज़िंदगी गुजारी जिस इलाके में आप पले बड़े वह आशा का इलाका है वह आशायरा का दौर है अभी मैंने कहा ना अबुलमहलीजॉनी इमाम हराम खालिस आशा खालिस आशा अशा के इमाम उस उस इलाके में बड़े पैमाने पर उस दौर में अशारा वो दौर अशा का दौर उनके 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 उठान का दौर उनके फैलाव का दौर बक़सरत बकसरतरा आप देखे इस इस पांचवें तरीजरी को पढ़ करके देखे आप खुरासान तुर्कमानिस्तान अफ़ग़ानिस्तान और जो है ईरान का जो बड़ा हिस्सा उस दौर में सब तकरीबन अशायरा बड़ी तादाद में ऐसे में इमाम बघावी ने ना हर में मक्की गए ना हर में मदनी गए ना आप दिमश गए ना बगदाद गया आप आप खुरासान में भले बड़े वहीं आपका इंतकाल हुआ और ख़ाल आहसन् जम के नुमाइंदा खालस जम के आलमी आपकी जो किताब है तफसीर की महालिम तंज़ील उसमें जहाँ भी अल्लाह रबूल आलमी की सिफात आए हैं मैंने कई मरतबा तफसीर में इस बात को कहा है कि आप खालस आलोसन और जमा की नुमाइंदगी करते हैं तर्जमानी करते हैं और उसी को लिखते हैं आप लातुदरी को लबसार वरी वा को लाबसार वगैरह के आप तफसीर उठा के देखे आप सरतल नाम की मैंने उन्होंने बखसरत एक दो मिसालें नहीं मैं अलग की तफसीर क्या था सबसे पहले उसके बाद सबा शबा तहरीम वगैरह वगैरह हर हर शुरे के आगाज़ में मैं शेखुल इस्लाम शेख उमबिनतम रहमतुल्लाह की इस बात को हमेशा से नकल किया हूँ हर सूरे के आगाज़ में कि शेखुल इस्लाम उम अबिनतम रहमतुल्लाह से तफसीर तबरी तफसीर कुरतुबी तफसीर तफसीर इबनआतम अबू सालब अबूसाक़ालबी की तफसीर बगवी, तफसीर अलवादी और इस तरह की मशहूर दीगर तफासिर से मुतल आपको हमेशा से सवाल किया जाता रहा है और आपने इस बात को मजमूल फतावा में जो अभी हमारे पास मुरतब है कई जगह पर लिखा आपने शेख उमत रहा ने जब तफसर सालबी का जिक्र किया तो अबू इसबी से मुतल यही कहा कि आप हाथबुल हैं नफी खैर अब अबूाक के बारे में यही कहा कि आप एक अच्छे आलम दिन हैं जरूर लेकिन आपकी तफसीर में जो मौजूद का 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 जो, जो 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 इजाफा हुआ है जो कसरत है और फिर जो अहल बिदात की जो आरा उसमें हैं ये तो तफसीर तालबी से मुतल हो हमारे मौजू से ख़ारिज है लेकिन इबनिया ने कहा रह्ला जो माल तंज़ील है तफ़ीर बघवी है ये उसी का मख्तसर है उसी तफसर तालबी का अख्तिस है तफसीर तालबी भी हमारे पास मौजूद है आपने देखा होगा और तफसर बघावी उसी का अख्तसार है कहाँ तफसर तालबी कहाँ तफसी बघवी देखे आप लेकिन इब्न इब्नतम ने जो बात कही वो काबिल गौर इब्न रहमल्लाबनतम रहम् ने कहा शेख उम कि ये जो तफसीर बघावी है वो तफसीर तालबी का मुख्तर है लकन सा न तफसरू बिल मिनहदीआ के इम बघावी रहा ने अपनी तफसर को तफसीर सालबी से जब इख्तार किया तो मौजू मौजुआत मौजू रवायतों से पाक रखा और 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 ये काबिल एक और बात हमारे मौजू से मुतल कहा कि वमिन आरा इमुब्त्या और जितनी भी बिदाती आरा हैं रब्बुल रब्लम की सिफात से मुतालिक या जो भी आलोसन्नाजमा का बिल्कुल वसी पैमा पैमाने पर जो 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 अकीदा है जहाँ भी छेड़छाड़ हुई है सबसे अपनी तफसर को पाक रखा इमाम बघवी ने रह इसीलिए हम तलबा को इस तफसर का गैर मामूली एहतमाम करना चाहिए इसे इस स्फादे से मुतक़ इतनी बड़ी बात की इमिनतम ने रहल्ला शेख उमी अबनत राम ने जो तफसीर बघावी की जो तारीफ़ की है ये इनका मामला जो भी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं ये सब बातें अक़ीदे से मुतल अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने मामहबी रहा का सर आलाम से जो कौल नकल किया ना क्या कहा कि कान आला मिन हाजलफ़ हलन वन आप ज़ाहिर में जो हाल हालत थी आपकी जो लिबास और आपका रहन सहन और आप अकदी एतबार से जो आपका नजरिया होता होता था ये सब का सब खालिद सलफ़िया अहन जमा केज पर अलबत्त इमाम बघवी रहाम्ला चूँकि बखशूर या बगा के थे और वो उस दौर में थे जिस दौर में शाफ थी वहाँ पर इमाम बकी बेह बैहक करीब है बहुत करीब भी नहीं दूर है लेकिन ईरान का वो ऊपर का हिस्सा है जो कज़वीन के करीब आता है कज़वीन और नसा के दरमियान नसा से इमाम नसाई कजवीन से इब्न माजा उसी के दरमियान बक जो इलाक़ा है तो ये ये सब शाफैत का दौर है वो बड़ी बड़ी तादाद में महाली का भी मैंने नाम लिया अबूल महाली अल्जुआनी इमाम हरमैन खालिद शाफाई उनके वालिद भी अबू अल अल्जुआनी सब शवाफ़ तो वही माहौल आपको मिला उन्हीं से पढ़ा आपने मैंने अभी शुरू में कहा ना कि जो वो मर हो गए तो किससे इस्तफादा किया आपने खाद इब्न मोहम्मद अल मरवजी से रहा वो उस दौर के माय शाफ के रईस बड़े आलिम दीन उनसे आपने पढ़ा तो इस एतबार से फिकही नक़ नज़र से आप जो शवाफ़े का जो नहज है वो आपने इख्तियार किया लेकिन काबिल और बात क्या है वो 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 ध्यान दीजिएगा आप कि इमाम बघवी रहा अल्लाह के फजल करम से अक़दे में खाल आलोसना वजमा के होने के साथ साथ फ़िकी एबार से भी वो सलफ़ के मनहज ही पर क़ायम थे उनकी शराह सुना उठा के देख लीजिए आप। आपने महदसिन का जो अंदाज़ है उसी 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 की पैरवी किया आपने सभी उमूर में आपने अगर मजहब शाफियाई का किसी मौक़ को आपने इख्तियार किया है तो वो भी दलील की रोशनी में तहसब की बुनियाद पर नहीं हती क्या आप देखेंगे कि शेख शुएब अरनाउत जब तक वो बायात थे आलम ये बात आई कि आखिरी दिनों में आपने जो है मतलब रुजू किया तोबा किया इन सब चीज़ों से जो उनमें अशारियत थी वगैरह जो तसब था मसल के अतबार से लेकिन एक ख़ालस मतसब मुखल थे आप मसल के अतबार से फ़ुरोई मसाइल में शर सुन्ना कि उन्होंने तहक़ीक़ की है और उन्होंने इस बात को सराहत से लिखा कि इमाम बघबी रहा भले ही शाफही थे लेकिन आप मुतासिब नहीं थे आप आप मुखलद नहीं थे आप मुतासिब नहीं थे आपने दलील की बुनियाद पर किसी मौक़ को इख्तियार दलील की बुनियाद पर किसी को राज्य करार दिया आपने आपकी तरजीहत दलील सही दलील और सही से दलाल ये शेख शोब अन्नावत ने कहा बल्कि शेख शुएब अनावत ने एक कदम आगे बढ़ यहाँ तक कह दिया कि इस जिस इलाक़े में आप पले बढ़े वो एक तकलीदी और जमूत का दौर जामद चीज़ इलम जमूद तहकी दौर नहीं तकलीदी दौर उस तकलीद को उस जमूद को तोड़ने के लिए आपने सुन्ना लिखा लोगों को हदीस की तरफ रागिब करवाया आपने जिसकी वजह से अल्लाह सुबहान त ने, ने ऐसा माहौल सुबहान इनके लिए तैयार किया कि आप सुन्ना के नाम से मरूफ़ हुए आप उस लकब से यह आपका किरदार है अल्लाह अकबर कितनी बड़ी बात है अंदाज़ा लगाइए आप इमाम बघवी रहमुल्ला इमाम बघवी रहा अहिल आलम ने इनके बारे में बहुत बहुत अच्छा तारफ़ करवाया है अबोल अब्बास इब्न खलीखान अफियतुल आयान जो उनकी किताब है पाँच सौ इक्सी जैसे नफात है उनका या छियासी आसपास इब्न खलीखान रहा इनके बारे में लिखते हैं इनके इनके तारुफ़ी तौर पर इनकी तारीफ़ करते हुए कि अलफ़ी अशाफू अलमुफर अलमुहदू क्या न बहरन फ़िलूम इतनी बड़ी बात लिखी आप मुफसर हैं आप मुहद हैं आप इल्म, इल्म का समंदर हैं आप ये इस दौर के लोगों का जो जज्बाती मामला होता है आ, किसी से भी मुतल कोई बात कह देने का ये वो दौर नहीं है एक एक संजीदा उलमा के अंदर जो वो जो संजीदगी थी किसी के बारे में कुछ कहने के लिए वो, वो, वो दौर इतनी बड़ी बात इनके बारे में कही गई अब अब्दुल्ला जहाबी राहुल्ला ने सियर आला मिनोबला में भले ही इनका तर्ज हयात मुख्तर लिखा है दो से ढाई सफ़े के अंदर कमो बेश लेकिन आपके बारे में जो तारीफ़ी कलिमात आपने लिखी हैं आगाज ही आगासी किया कि अशैख़ु अल अलअाम अल हाफि शेख उमहुसन्ना इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी आपके बारे में अल्ला अकबर फिर आपके इसम आपके तलाम आपकी तसनीफात का कर जिक्र करने के बाद फिर फिर लिखा अल वक़ारबू बी मुहयसन्ना बबी रुकन दीन इमाम बघवी रहा मुहैसन्ना सुन्नतें जहाँ बिदातें बिदात फ़रोह पा चुकी हों जहाँ सुन्नत के मुकाबले में आरा और रिजाल को अहमियत दी जा चुकी हो ऐसे में आपने सुन्नत को सुन्नत को आम किया आपने अहादित को आम किया आपने मोहसन्ना रुकनउद्दीन इतने बड़े बड़े अलकाब से आप नवाजे गए वैसे जो पैदाइश के तौर तो पर जो लकब था आपका वो जहिरुद्दीन था जहिरुद्दीन लेकिन रुकनद्दीन मोहसन्ना ये आपके इल्म इल्म की खिदमत की वजह से जो है मतलब ये, ये अलकाब थे आपके लिए इमाम जाहबिर ने लिखा कान सदन इमामन आलिमन अलादन और आखिर में लिखा जो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है का नान बिल्सर एक दीन को ज़रूरी मैं 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 हर 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 दर्स में इस बात को कहते रहता हूँ आलिम दीन को खिनात पसंद होना चाहिए आम लोगों की तरह अपनी रफ्तार तेज़ नहीं करना चाहिए कि मैं यहाँ आधा दिन पढ़ा पढ़ाऊँ वहाँ भी कमाऊँ वहाँ भी कमाऊँ वहाँ भी कमाऊँ ये हम लोगों को जैब नहीं देता है का नान बिल्सर हमारा जो भी वक्त है बचा करके पढ़ने पढ़ाने में लगाना चाहिए तभी इल्म इतख़ान आएगा अल्लाह सुबहान तआला हम हमको जो भी अता करेंगे बरकत देंगे उसमें खुशहाल ज़िंदगी ही देंगे आलमीन हमको अच्छी ज़िंदगी देंगे हमको उलिया ही रहेगा हमारा हमारा हाथ ऊपर ही रहेगा नीचे नहीं आएगा इन लेकिन लेकिन हम हम शरीत के लिए वक्त निकालें आम लोगों की तरह जो है अपनी रफ्तार को ऐसे ना रखें कि हम भी भागें कमाने के लिए कहीं भी भागें कत्यान नहीं होना चाहिए इमाम बघवी के बारे में इतनी बड़ी बात कही कि कान बिलिर बहुत बड़ी बात है माशा हाफिज इमन कसीर रहा अलबिदाय वन्हा में पाँच सौ सोलह हिजरी की जो तारीख़ लिखी है उसमें किन किन असाब इल्म का इंतकाल हुआ उसमें इनका भी नाम लिखा इमाम बघवी का रहमा जब इमाम बघवी से मुतल लिखा तो लिखा वक़ान अल्ला मत जमानी वक़ान दयन वरा आबिदन, के तीन चार सत्रों में आपके बारे में लिखा तो इतनी बड़ी बात लिखी मैं समझता हूँ तीन सत्रों में लिखा बस इमाम बघवी के बारे में الله और क्या लिख दिया वकानी अपने जमाने के मुमताज मारूफ़ मशहूर बड़े दिनन दीनदारी गालिब तबीयत में मिजाज में हमारी गुफ्तार में सोच में खालिस दीन मतलब दीन को तरजीह होनी चाहिए ये बड़ी अहम चीज़ वरा होना चाहिए हलाल हराम की तमीज़ होनी चाहिए किसी के बारे में गुफ्तगू करते हुए आदमी की तबीयत में बात आनी चाहिए कि भाई इसका मवाखजा होगा मुझे वरा ज़ाहिदन और, और 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 आबिदन साल ये बातें कही इब्न कसिन रहम तबकातुलमुफसरन किताब है दो जल्दों में मेरे पास है देखे आप शमसुद्दीन मोहम्मद इब्न अहमद दाउदी की

फ़िक के बाद में सबों में अल्लाह रब्बुल रब्लमी ने आपको इमामत अता फरमाई छोटी मोटी बात नहीं है अपने इलाके में पूरी ज़िंदगी लगाई आपने बाहर नहीं गए जैसे बहुत सारे इस दौर के तलबा को हम देखते हैं ना आम मदरसे से फारिग हो गए अब कहीं जाने का मौका नहीं मिला तो समझते हैं कि जो अब मैं क्या कर सकता हूँ अब मैं क्या पढ़ सकता हूँ इसीलिए मेरा इल फीका है नहीं मेहनत करें अल्लाह से मांगें अल्लाह से खैर मांगे तो अल्लाह ताली दीन की अता फ़रमाते हैं क्यों नहीं अता करेंगे मेहनत करें खूब मेहनत करें अल्लाह रब्बुल रब्लम ज़रूर अ़ा करें बेदी लाई ती ये ये इमाम बघवी है रहम्ला बहरहाल इब्न खली कहते हैं कि 510 को इनका इंतकाल हुआ 510 सौ को लेकिन साथ में इब्न खली खान ने यह भी बात लिखा कि उस दौर के एक और मरूफ़ आलिम दीन झक्ुद्दीन अब्दुलज़ीम अलमंजरी इनकी बहुत सारी किताबें हैं ना मुख्तसर सही मुस्लिम वगैरह वगैरह मुख्तर सुनब दाऊद मुख्तर सही मुस्लिम अ तरगीब तरहीब कई किताबों के मुसनफ़े मारूफ तो उनका एक उनका एक छोटा सा रिसाला है जिसका नाम है सफ़रिया इस तरह का कुछ नाम है उसका मैंने देखा नहीं है उसको तो उसमें इनकी जो सन वफात लिखी हुई इमाम मगवी की वो पाँच सौ सोलह हिजरी और इमाम और ये जो अब, जो अब इब्न खलिकान है हयान में ये लिखा कि नकल खत अल अलमंरी रहम्ला की हाथ का लिखा हुआ जो नुस्खा है मैंने वहीं से निकल किया वो उसी उसी सदी के हैं पाँच सौ छप्पन जैसे नफात है उनका वो उसी सदी के हैं इमाम बघबी रम्ला के मुआसिर हैं वो अब्दुलज़ीम अलमंजरी रहम्ला ये इनके इंतकाल से मुतिक बात है वहीं उसी इलाके में जहाँ अलमर है ना जिनके गजतास हैंसैन अब्न मोहम्मद अलमरवी क़ुसैन चार सौ बासठ हिस्से नफात हैं उनका उन्हीं के बगल में इनको दफ़न किया गया वहीं पर मतफ़ू एक कब्रस्ान तलेकान नाम का बरअल वो नाम अलग है वहाँ पर वही मतफ़ून है इमाम बखबीर रहा अल्ला रब्लम ने आज जिसकी वजह से आप हम आपको जानते हैं हम आपसे मुस्फ़ी होते हैं जिसकी वजह से आज ये बेदिनल तशस्त क़ायम की गई है आपकी तसनीफ़ात हर मौजू पर आपने कलम उठाया आपने तफसीर से मुतालिक क़लम उठाया और बिल्कुल मामूली अहमियत के हामिल तफसर बेहद मुफीद अहलसन्ना वजमा के नहज और और जो है उनके 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 तरीक़े उनके तरीक़ पर लिखी गई तफसर मालिम तंज़ील जिसे तफसीर बघवी से भी ज ज ज ज ज जो है लोग जानते हैं इब्न इब, इमाम ज़ाहबिर ने कहा कि लहू अल्कदम अर्रासख तफसर तफ़ीर के बाद में आपको खूब खूब महारत थे आपको उनकी तफसीर उस, उस, उसकी उसकी जिंदा मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह। शरख सुसन्ना आपने लिखा हदीस के बाब में एक एक मुनफरिद अंदाज आपने पहले अहादीस को तरतीब दी अनोखे अंदाज में फिर आपने उसकी शरह की एक एक मुनफरिद अंदाज है शरखसन्ना जो हमारे पास सोलह ज़िल्दों में मसाबी मसाबिर आपने किताब लिखी इसकी बुनियादी वजह ही यही लोगों में हदीस को आम किया जाए जिस तरह से 100 साल पहले के हिंदुस्तान के जो हैं हती के अहनाफ ने भी अच्छी खासी तादाद में इसका एतराफ़ किया दीगर ममालिक जैसे साथिया है सऊदी अरब है मुल्क मिस्र है बड़ी तादाद में असाब आईम ने इस बात का अतराफ़ किया कि हिंदुस्तान में अहले हदीस ने हदीस से मुतल जो यानी जो जो खिदमत अंजाम दी है लोगों में हदीस हदीस को जो आम किया है ये ना होता तो फिर हदीसें पढ़ने पढ़ाने वाले कभी के ख़त्म हो जाते लोगों में आला रिजाल का कलबा था तो ये मसाब उस आपने लिखी जो मशक़ातलमसाव उसी पर लिखी गई किताब है कितनी शहरद रबुल आलमी ने आपकी इस किताब को कितनी शहरद अंदाज़ा लगाइए आप अलबाउन हदीसन ये भी आपकी किताब है इसी तरह से अतहदीब तहजीब फी फिलफिक शाफे फिफिक शाफ आई इमाम जहाबी कहते हैं अलबाउलमदीद फ़िलफ़िक़ फ़िक़ में बहुत दर्द था आपको बहुत दर्द था आपको क्योंकि फ़िक़ा शाफ़ी ही आपने पढ़ा था वही पूरा माहौल था तो आपने उसी को लिखा लेकिन गैर जानबदार अंदाज में आप एक अच्छे मुफ्ती भी थे लोगों के सवाला का जवाब दिया, दिया करते थे इब्न खलिकान कहते रहम्ला के वो वो मतबू भी हैं मतलब मतबू हैं यानी मुदवन की गई हैं उस दौर के अतबार से आम हुए लोगों में इनके जो उस्ताद हैं खाजिया हुसैन इब्न मोहम्मद अलमरवी तो उनके फतावों को भी इन्होंने जमा किया था इमाम बघबी रहमा ने उनके फताहों को भी जमा किया और ख़ुद इनके फ़तावे भी बाद में मुदवन हुए हैं इमाम बघबी रहमा की जो तसानी हैं इसका जिक्र करके एक और किताब है जो मैंने कभी देखा नहीं है और गूगल में भी तलाश किया मैंने गूगल एम मैं में नहीं मिली मुझे वो ये जो कशफ जुनून है ना हाजी खलीफा की उन्होंने इस किताब का जिक्र किया है कि अल 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 अनवार फ़ी शमा अलैहि वसल्लम की सीरत 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 से मुतल आपकी जो तसानीफ़ हैं मालिम तंजील मसावी सुसन्ना शरसन्ना अल्लाह ने इतनी कबूलियत अ फरमाई इन किताबों को इमाम ज़ाहबिर सैर नबला में लिखा कि अल्लाह रब्लमी ने जो आपकी जो तसानीफ हैं कहा कि इसको बहुत बहुत शहरत अदा की बहुत शहरत अदा की आपकी जो तसानीफ हैं दुनिया में बहुत बहुत कबूलियत मिली अल्लाह रब्लमी की तरफ से इसको कहा कि रूज़ लहू अलबूलत्तम आपकी जो तसानीफ हैं कहा कि तसानीफ वह वह बूरी का लघु फीत ानीफ़ी बूरी का लहु फीत ानीफ़ी आपके तसानीफ में अल्ला रबालमी ने खूब बरकत रखी व रूजी का लघू अलबुलत्ता और खूब खूब कबूलियत अल्लाह ने यानी मतलब सब हाथों हाथ खूब इफ़ादियत वाली चीज़ बना दिया अल्लाह रब्लम की किताबों को इमाम ज़हबीर रहा ने बाद जो बात लिखी है वो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है कहा कि लिए हसन कस्दी व सिद्की नीयति के नीयतें खालिज थी इमाम मज़हबी की इमाम बघबी रहा की मकास बड़े उमदा थे आपकी कि किताब वसन्नत को आम करना किस इलाके में थे आप सुबह अल्लाह गौर कीजिए आप ये बहुत बड़ी बात है ये करने के काम है ये कहना कि ये मेरे पास नहीं ये मेरे पास नहीं ये मेरे पास नहीं ये मेरे पास नहीं इस तरह की शिकायत करने वाले इस तरह की महरूम लोग जिंदगी भर महरूम ही रहते हैं ना कुछ करते हैं ना करने देते हैं ऐसे लोग आपको यह सोचना चाहिए अल्लाह ने मुझे यह दिया मुझे यह दिया मुझे यह दिया मुझे यह दिया और जितना जितना आपके पास है अब कर गुज़री अब कर गुजरी, गुजरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हमारी नियतों और हमारा जो इखलास है हमारी जो उम्दा सोच है मयार मेयारी जो हमारा ख्याल है अल्लाह उस बुनियाद पर हमारे साथ फैसले करते हैं जितनी जितनी हम जितना हमारा मैदान है जितनी हमारी गुंजाइश है उसमें करना चाहिए उस पर गुजरना चाहिए इमाम बघवी रहा की मुख्तर सी से सीरत थी जिससे मैं खुद पढ़ कर के काफ़ी मुतासर हुआ और मैं 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 बता रहा ना हूँ न कि नाम बहुत आम था लेकिन हम जानते नहीं थे मैं सोचा कि हमारे अखवान को और हम हमसे जो लोग जुड़े हैं या जो ना भी जुड़े हों जो भी हों हम उनकी खिदमत इमाम बगावी की इस अज़ीम ज़िंदगी को रखें क्योंकि हमने इनकी किताबों से रोज़ 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 रोज मुस्तफ़ होते हैं अलहदुल्लह रोज़ पढ़ते हैं रोज़ हमारे सामने इनकी किताबें होती हैं ऐसे में इनकी ज़िंदगी को लोगों के सामने रखना ये हल जजासानी अलहसान के नतीजे में कि इनका हमारे ऊपर एहसान है या हमारे रूहानी बाप हैं या हमारे उस्ताद हमारे शेख हैं हमारे मोहसिन हैं और हमारे मोहसिनों को याद रखना चाहिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्लम हमी हमारे इन उलमा की कदरदानी द्र करने इन से मुस्फ़ी होने और, और जो है इन ए, ए, और, और इनकी जो खिदमत हैं अल्लाह ताला उसे कबूल फ़रमाएम अल्लाह रब्आमी को अला में जगता अल्लाह रब्बुल रब्लम हमारे साथ भी जो इन जैसा मामला है रब्बुल रबालमी वो मामला हमारे साथ भी व फ़रमायम आमीन व आखर उ दावाना अल्हदिल्ला रब्बालमी सुबहानकदि अशदालाफ़रूगा